सतनाम सत साहेब। श्री कृष्ण जी की मुरली कैसी थी, वह किस तरह बजती थी? जो भी व्यक्ति आध्यात्मिक होता है, वह ध्यान योग साधना करके अपनी दक्षिणी ध्रुव की ओर बहती हुई ऊर्जा को रोक करके या उसका बहाव को बदल करके जब उत्तरी ध्रुव की ओर कर देते हैं, तो वह सहस्रार चक्र में जा कर के, यानी आज्ञा चक्र, सहस्रार चक्र में जा कर के वहाँ पर तीन ग्रंथि होती हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड, आज्ञा चक्र और पीनियल ग्लैंड। ये इसको त्रिकुटी कहते हैं, संतों की भाषा में इसे त्रिकुटी कहते हैं। यहाँ पर एक कुटिया यानी प्रत्येक ग्लैंड के अंदर एक खोखला हिस्सा होता है। जब यह नीचे की ऊर्जा यानी जो संत इस बहाव को बदल देता है, तो जब यह ऊर्जा इन खाली स्थान में से गुजरती है, तो एक मधुर ध्वनि यानी मुरली की तरह की आवाज़ वहाँ से सुनाई देती है। तो श्री कृष्ण जी ध्यान योग करते हुए इसी मुरली को सुनते थे, वह बजाते थे। लेकिन हम संसारिक लोग वह दूसरी मुरली जो बाहर से बजाई जाती है उसको समझते हैं। हाँ, श्री कृष्ण जी उस मुरली को भी बजाते थे, लेकिन वहाँ से आध्यात्मिक मार्ग में या जो उन्होंने महाभारत में दिखाया उसको प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन जो यह मुरली है, इस तरह की मुरली जो भी साधक बजाता है, तो वह आध्यात्मिक मार्ग की अष्ट सिद्धियों को प्राप्त करता है। देखिए, एक ऊर्जा लगातार हमारे शरीर के अंदर बहती रहती है उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर, लेकिन यदि कोई साधक इस ऊर्जा को, इस धारा को उल्टा कर देता है, यानी यहाँ पर अपने काम वेग को रोक करके इसको उल्टा कर देता है, राधा बना लेता है, अपने ध्यान योग के द्वारा अपनी इस राधा से इतना प्यार करता है कि यह यहाँ पर आगे चक्र पर जाकर जब त्रिकुटी में टक्कर मारती है, तो यहाँ पर एक मधुर आवाज़ सुनाई देती है। यह मधुर आवाज़ आप सभी के पास है, ऐसा नहीं है कि किसी एक खास व्यक्ति के पास हो, सभी के पास है, लेकिन इसे सुनने की ज़रूरत है। यह अंदर के कानों के द्वारा सुनी जाती है। तो जब यह आवाज़, यह ऊर्जा, यहाँ पर तीन ग्रंथि होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड, आज्ञा चक्र और पीनियल ग्लैंड, जब इनसे गुजरती है, तो एक मधुर ध्वनि, एक मधुर आवाज़ सुनाई देने लगती है। और इसी आवाज़ को श्री कृष्ण जी ध्यान योग करते समय सुनते थे या बजाते थे, यही उनकी असली मुरली थी। और आज के संत भी इसी मुरली को सुनते हैं, और इसी मुरली को अलग अलग धर्मों में अलग अलग नामों से कहा गया है। जैसे हिंदू धर्म में इसे अनहद नाद भी कहते हैं या नाद ब्रह्म भी कहते हैं। कुछ हिंदू लोग इसको तारतम वाणी भी कहते हैं, और इसी को बौद्ध धर्म में पवित्र ध्वनि कहते हैं, या एक आर्य जैसी मशीन की संज्ञा दी गई है। इसी ध्वनि को इस्लाम धर्म में कुन या कलमा भी कहते हैं। इसी ध्वनि को ईसाई धर्म में होली घोष्ट भी कहते हैं। इसी ध्वनि को यानी ये इसी ध्वनि के अलग अलग धर्मों में अलग अलग नामों से पुकारा गया, जबकि यह एक ही होती है। सतनाम सत साहिब, यही श्री कृष्ण जी की असली मुरली थी। सतनाम सत साहिब।